नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। अफगानिस्तान में स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है और आतंकी संगठन तालिबान तेज़ी से अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के उरुजगन प्रांत की राजधानी टेरेनकोट पर भी कब्जा कर लिया है। अब तक उसने कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है, तो वहीं हेरात के सभी सरकारी अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस बीच अफगानिस्तान में मारे गए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर तालिबान ने बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में तालिबान ने स्पष्ट कहा है कि दानिश ने हमसे अनुमति नहीं मांगी थी, उनकी मौत का जिम्मेदार तालिबान नहीं है। दानिश सिद्दीकी की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सोहेल शाहीन ने कहा कि फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी ने हमारे साथ समन्वय कायम नहीं किया। अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते हुए मारे गए फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि ये कहना गलत है कि उन्हें तालिबान लड़ाकों ने मारा। मोहम्मद शाहीन ने साफ साफ कहा है कि हमने पत्रकारों को एक बार नहीं बल्कि कई बार घोषणा की है कि जब वे हमारे संस्थान पर आएंगे तो कृपया हमारे साथ समन्वय करें और हम आपको प्रदान सुरक्षा करेंगे। लेकिन दानिश सिद्दीकी काबुल के सुरक्षा बलों के साथ थे, कोई अंतर नहीं था, इसलिए वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। लेकिन खबरों की माने तो दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने पकड़ा और बेरहमी से मार दिया। फिलहाल तालिबान ने तेज़ी से अफगानिस्तान के बड़े शहरों कंधार, गजनी और हेरात पर कब्जा जमा लिया है। शुक्रवार को आई नई जानकारी के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के लोगार इलाके पर कब्जा कर लिया और यहां से काबुल की दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर भी है। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना के वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होते ही तालिबान अपनी स्थिति मजबूत करने के अलावा अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांत में से 15 से अधिक प्रांतों पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।